नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिश्री और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर द मिश्री शो। त्योहारों में होली और यूपी की बोली और VFX और स्टोरी के मामले में राजामौली का कोई जवाब नहीं। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ RRR मूवी की। इसमें एक और आर लगा के ना भाई, जबरदस्त रेटिंग मिली है। हाँ, मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन जाकर देखाओ, देखाओ यार। SS राजामौली एकमात्र ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने भारत को VFX के मामले में उसका लेवल ऊपर किया है। हाँ, मैं उनकी इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इनकी मूवीज में डिटेलिंग, लोकेशंस, कलर, सिनेमेटोग्राफी इस तरह से की गई है कि हॉल में बैठा हर आदमी बस यही कहता है। शुरुआत होती है किस तरह से अंग्रेज भारत पर अपनी हुकूमत दिखाते थे, किस तरह से अंग्रेज भारतीय स्त्रियों को, बच्चियों को कौड़ियों के भाव खरीद लेते थे। इसी तरह से एक बच्ची मल्ली जिसको अंग्रेज कौड़ियों के भाव उठाकर ले जाते हैं। राजामौली ने पूरी मूवी में इमोशंस को बखूबी पिरोया है, ये मतलब देखने लायक है। और इसी बीच ओफो एंट्री होती है हमारे अंडर पुलिस में काम कर रहे पुलिस रामचरण की, और उधर ही गोंड समाज के लीडर NTR की। और रामचरण एंट्री तो भाई साहब जबरदस्त, ओफो अनबिलीवेबल एंट्री, बिलीव तो आप भी नहीं करेंगे, क्योंकि अकेले ही इतने सारे लोगों को इन्होंने खदेड़ दिया, खदेड़ के वापस भी आ गए, लेकिन इसकी वजह से मूवी में कुछ भी ओवर नहीं दिखाया गया। देखो यार, बहस मत करो यार, जाओ देखो जाके। और इसी तरह से कहानी आगे बढ़ती है, हमारे हीरो लोग आपस में दोस्त बन जाते हैं, और साथ ही साथ सॉन्ग जबरदस्त है। इतना एनर्जेटिक सॉन्ग दिखाया गया है ना कि भाई सिनेमा हॉल में डांस करने का मन करे। राजामौली की यही खासियत है कि एक नॉर्मल सी कहानी को बड़े पर्दे पर इतनी खूबसूरती से एग्जीक्यूट करते हैं कि वो काबिलियत तारीफ है। पूरी मूवी को फायर वाटर के मिश्रण में इस तरह से एग्जीक्यूट किया है कि बस शानदार बोल दो, बस बोल दो। और इसमें दो कलाकार और भी हैं, अजय देवगन और आलिया भट्ट। आलिया भट्ट का रोल तो उतना ही है जैसे केसर बादाम वाले दूध में केसर का, लेकिन अजय देवगन का वो 15 मिनट का सीन कहानी को एक नया मोड़ देता है और कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करता है। और वहीं ब्रिटिश गवर्नर के स्कॉट जो एक बुलेट की अहमियत, एक ब्रिटिश बुलेट की अहमियत को बताते हैं, वो भी बेमिसाल है। बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स हैं जो आपको ताली बजाने पर मजबूर भी कर देंगे। उसके बाद रामचरण का जो प्रभु श्री राम का कैरेक्टर है स्क्रीन पर आता है ना, तो हॉल पूरा का पूरा हॉल श्री राम के जयकारों से गूंज जाता है। बाकी मूवी मैं नहीं बताऊंगा भाई, जाओ देखो जाके, बैठे क्यों हो। SS राजामौली सर, वी लव यू, वी सल्यूट यू। और इसी तरह के मूवी रिव्यूज के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब कर दीजिए यार, सब्सक्राइब करो।